हाय, कैसे हैं आप सब? होपफुली सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम आपके लिए लेके आए हैं टाटा हैरियर। यार, ये गाड़ी जब से मार्केट में आई है तब से इस कार ने धमाल मचा के रखा हुआ है। इसकी डिज़ाइनिंग का हर कोई फ़ैन है। तो आज हम सबसे पहले बात करने वाले हैं इस कार की डिज़ाइनिंग की, फिर हम बात करेंगे इस कार की परफॉर्मेंस की, और लास्ट में हम लोग बात करेंगे वैल्यू फॉर मनी की कि क्या क्या इसमें ऐड किया गया है कि आप बाकी काफ़ी सारी गाड़ियाँ नेगलेक्ट करके इस गाड़ी की तरफ आइए, या फिर इसको भी हम लोग नेगलेक्ट करेंगे। तो देखते हैं इस गाड़ी में हमें क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। सबसे पहले अगर हम लोग डिज़ाइनिंग की बात करते हैं तो देखिए, ये हमारा डार्क एडिशन है, मींस एवरीथिंग इज़ ब्लैक्ड आउट। हर चीज़ को यहाँ पे ब्लैक कर दिया गया है। आपको क्रोम का यूज़ नहीं दिखाई देने वाला, आपको सिल्वर का यूज़ नहीं दिखाई देने वाला, लेकिन यस, जो सारी आपकी डिज़ाइनिंग पैटर्न है, जो आपके कनेक्टेड LED DRL का स्टाइल हो गया, या फिर हमारे वर्टिकल हेडलैम्प स्ट्रक्चर का डिज़ाइन हो गया, ये हमारा सेम है जैसे आपको हमारी नॉर्मल हैरियर के अंदर दिखाई देता है। तो डार्क जब भी हम किसी भी गाड़ी के अंदर बात करते हैं तो हम बेसिकली वहाँ पे बात कर रहे हैं उसके कॉस्मेटिक चेंजेस की। अब देख लेते हैं इसके अंदर। सबसे पहली चीज़ आपको दिखाई दे रही होगी, जो इसकी ग्रिल है वो फुल ऑन ब्लैक्ड आउट है। और हेडलैम्प्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो ऊपर के साइड में आपको प्रोजेक्टर LED हेडलैम्प्स दिए गए हैं, उसके जस्ट नीचे आपके फॉग लैम्प है, उसके नीचे आपको एयर डैम दिया गया है ताकि जो आपके टायर्स हैं वो थोड़ा कूल डाउन रहें। कैमरा आपको यहाँ दिया गया है, और नीचे के साइड में आपके पार्किंग सेंसर्स हैं। फ्रंट प्रोफाइल कार का बहुत ज़्यादा स्मार्ट है। सबसे बड़ा चैलेंज यहाँ पर टाटा के लिए यही था, क्योंकि हैरियर पहले से ही वन ऑफ द स्मार्टेस्ट कार्स की कैटेगरी में आती है, काफ़ी सुंदर गाड़ी इसको माना जाता है। और इसके फेसलिफ्ट के लिए उनके पास वही चैलेंज था कि भैया, जो गाड़ी पहले ही इतनी सुंदर है उसे आप और खूबसूरत कैसे बनाएंगे, जिसमें हम डेफिनेटली टाटा को अप्रिशिएट करेंगे। अब आ जाइए कार के साइड प्रोफाइल पर। साइड में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको दिखाई देती है वो है इसके ब्लैक्ड आउट एलॉय व्हील्स। एलॉयज़ के अंदर थोड़ा सा जो चीज़ आपको दिखाई देगी वो ये है कि जो ये वाला आपका पार्ट है ये आपका प्लास्टिक में दिया गया है, बाकी आपका सारा मेटल है, जिसकी वजह से जो एलॉय का वेट है वो थोड़ा डिक्रीज़ हो जाता है, अच्छी परफॉर्मेंस आपको मिल जाती है। प्रोफाइल की अगर हम लोग बात करेंगे, इट इज़ 245/55R19। और फर्दर पीछे आते हैं तो आपका हैशटैग डार्क यहाँ पर मेंशन किया गया है, हैरियर आपका लिखा गया है। ये कुछ चीज़ें आप नोटिस करेंगे ना, सफारी और हैरियर के अंदर आपको बिल्कुल सेम दिखाई देने वाले। इनफैक्ट अगर कार का इंटीरियर आपने एंटर कर लिया ना तो आपको एकदम से एक बार तो कन्फ्यूजन होने वाली है, भैया सफारी में बैठा हूँ या हैरियर में बैठा हूँ, वो देखा अभी दिखाती हूँ। अब देखो, यहाँ पर हमें ह्यूज साइज़ ORVM दिया गया है, और उसके नीचे आपको कैमरा ऑफर किया जाता है। इस कार के अंदर आपको 360 डिग्री पार्किंग कवरेज मिलती है। डोर हैंडल्स आपको अगेन ब्लैक्ड आउट मिलते हैं, और आपको रिक्वेस्ट सेंसर दोनों साइड पे दिया गया है, ड्राइवर साइड पे भी पैसेंजर साइड पे भी। ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन भी आपको ड्राइवर पैसेंजर दोनों ORVM के ऊपर क्लियरली शो होगा। फ्यूल टैंक की अगर आप बात करेंगे तो फ्यूल टैंक आपको दिया गया है ड्राइवर साइड पे। इसकी कैपेसिटी इज़ 50 लीटर्स, आपको माइलेज देगी ये 15 से 16 की। ये कार आपको सिर्फ और सिर्फ डीजल में मिलने वाली है। डायमेंशन की अगर हम बात करते हैं तो 4.6 मीटर्स इस कार की लेंथ है। इस कार की ब्रॉडनेस आपको मिलती है 1.9 मीटर्स, जो इस कार की हाइट है वो है आपकी 1.7 मीटर्स। जो गाड़ी की लेंथ है वो एग्जैक्टली सेम ही मैं बोलूँगी एज़ कम्पेयर टू टाटा सफारी। सिर्फ और सिर्फ फ़र्क है यहाँ पर 50 mm का, और आप देख लीजिए वो गाड़ी आपकी 7-सीटर है और ये कार आपकी 5-सीटर है। तो आप सोच समझ के गाड़ी खरीदिएगा कि आपको कौन सी खरीदनी है। आ जाइए, मूव करते हैं इस कार के बैक प्रोफाइल पर। बैक में जो चीज़ें आपको ऑफर की जाती है, सबसे ऊपर आपको शार्क फिन एंटीना दिया गया है, यू हैव रूफ रेल्स, स्पॉयलर आपको दिया गया है अलॉन्ग विद द बैक लाइट, यहाँ पर हमारे पास डिफॉगर है, वाइपर यू हैव, नीचे के साइड में आपको रिवर्स कैमरा दिया गया है, पार्किंग सेंसर्स आपको मिल जाते हैं। बूट ओपन करने के आपको काफ़ी सारे तरीके दिए गए हैं, उस पर आने से पहले आपको बता देती हूँ कि यहाँ पर आपको जो लाइट स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ये थोड़ा सा चेंज किया गया है एज़ कम्पेयर टू जो हमारी पुरानी जनरेशन थी। ये फेस लिफ्ट में थोड़ा सा चेंज है। यहीं पर आपका टर्न इंडिकेटर है। इसकी डिज़ाइनिंग आपको काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट, काफ़ी ज़्यादा कर्वी दिखाई देने वाली है, और अगर आप रिवर्स गियर इंगेज करेंगे तो आपका ये वाला पार्ट ऑन हो जाएगा। बूट ओपन करने के लिए एक बटन तो आपको यहीं पर दिया गया है, दूसरा ऑप्शन आपके पास कार के इंटीरियर में है, तीसरा ऑप्शन आपके पास की के अंदर है, और चौथा ऑप्शन आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और आपका बूट है वो ओपन हो जाएगा। ये देखिए, ये ऑपरेशनल है, ये कोई गिमिक नहीं है, ये आपका ओपन हो जाता है। लेकिन यस, एक दो बार आपको थोड़ा सा एफर्ट करना पड़ेगा। तो ये एक्चुअली थोड़ा सा जब आप गाड़ी को ख़रीद लेंगे थोड़ी सी प्रैक्टिस आप कर लीजिएगा, क्योंकि मुझे एग्जैक्टली उसका प्लेसमेंट नहीं पता, तो मैं हर जगह अपना पैर मूव करके देख रही थी। तो यहाँ पर इस जगह पर आपका वो पॉइंट है, वो सेंसर लगा हुआ है जिसकी हेल्प से आपका जो टेल गेट है वो ओपन होता है। ओके, आप पीछे आ गए तो देख लीजिए, यहाँ पर हमें ये पार्सल ट्रे दिया गया है,
नीचे के साइड में बहुत ह्यूज आपका बूट स्पेस है, काफ़ी ज़्यादा आपका सामान इसके अंदर आ जाएगा। उसके नीचे मूव करते हैं, यहाँ पर अगेन आपको स्टोरेज की जगह दी गई है। आपको लग रहा होगा कि भैया मेरा स्पेयर टायर कहाँ गया, तो जो आपका स्पेयर टायर है वो दिया गया है कार के नीचे, जो आपका फुल साइज टायर है और आपको मिलेगा अलॉय के बिना। अच्छा, एक चीज़ आपको मैं और बताती हूँ कि अगर कार में इस वाली सीट पे कोई नहीं बैठा है और आप पीछे की तरफ आके डायरेक्ट बैठने की कोशिश कर रहे हैं और गाड़ी को लग रहा है कि आपके पास इनफ स्पेस नहीं है, तो ये जो सीट है आपकी ये ऑटोमेटिकली आगे हो जाती है। एक फ़ीचर यहाँ पर ये दिया गया है जो काफ़ी ज़्यादा माइंड ब्लोइंग है। दूसरा, आपको यहाँ पर सनशेड्स दिए गए हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं गर्मियों के टाइम में। अभी के लिए इसको हटा देते हैं ताकि थोड़ी रोशनी आए हमारे पास। ऊपर देखिए, यहाँ पे आपको लाइट दी गई है, ये आपके पास ग्रैब हैंडल है, हैंडल आपको यहाँ पर भी दिया गया है। मैगजीन होल्डर के लिए स्पेस आपको यहाँ दिया गया है, छोटा सा स्टोरेज आपको यहाँ मिल जाता है। USB पोर्ट आपके पास है और नॉर्मल टाइप सी पोर्ट आपको यहाँ दिया गया है। जो आगे की तरफ आपको टाइप सी पोर्ट मैंने बताया वो फास्ट चार्जिंग के लिए, ये हमारा नॉर्मल है। सिटिंग कंफर्ट की अगर बात करेंगे तो सिटिंग इज़ रियली वेरी कंफर्टेबल। कंफर्ट के मामले में ये गाड़ी आपको धोखा नहीं देती है, फुल ऑन कंफर्टेबल है। बहुत अच्छे खासे ट्रिप्स पे अपनी फैमिली के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ आप जा सकते हैं, किसी को कोई थकावट नहीं होने वाली, कोई बैक पेन ये गाड़ी क्रिएट नहीं करती है। अब आते हैं सेंटर में। सेंटर में आपको ट्विन कप होल्डर दिया गया है, ये आपका हैंड रेस्ट है और यहाँ पर बहुत अच्छी क्वालिटी के लेदर का यूज़ किया गया है और लेदर के साथ साथ बहुत स्मार्ट स्टिचिंग के साथ ये ट्राई पैटर्न को क्रिएट किया गया है, जो टाटा की आई थिंक हर गाड़ी के अंदर हमें दिखाई देता है। एक और चीज़ यहाँ पर कंफर्ट को इंक्रीज़ करने के लिए दी गई है लेदर अपॉल्स्ट्री के साथ साथ, वो है हमारा कंफर्टेबल हेडरेस्ट। आप देखेंगे ये आपको इस तरीके से ये नया पार्ट इसमें ऐड किया गया है, जिसकी वजह से जो आपका हेड का कंफर्ट है वाइल इन्जॉइंग अ राइड वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है और ये बहुत ही ज़्यादा सीरियसली सुपर कम्फर्टेबल है। टाटा हैरियर के इंटीरियर की अगर हम लोग बात करते हैं तो एवरीथिंग इज़ ब्लैक्ड आउट, सब चीज़ें आपको यहाँ पे ब्लैक आउट दी गई है। जो आपका स्क्रीन साइज़ है दिस इज़ अराउंड 12.5 इंचेस और जो हमारा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है ये आपका 10.3 है और यहाँ पर आपको बहुत सारी रीडिंग्स बहुत क्लैरिटी से दिखाई दे रही है, जैसे आपकी स्पीड आपको दिखाई दे रही है, आपका RPM आपको दिखाई दे रहा है, आपका ट्रिप एवरेज, आप किस ड्राइविंग मोड में कार को चला रहे हैं, कब आपका फ्यूल ख़त्म होने वाला, ये सारे स्टैट्स आपको यहाँ पर बहुत क्लियरली दिखाई देंगे। और जो स्क्रीन का रेजोल्यूशन है ना दोस्त, वो भी आपको काफ़ी अच्छा खासा मिलने वाला है। डायल की फॉर्म में दिया गया है, यहाँ पर आपको कुछ ट्रैक्शन कंट्रोल्स भी यहाँ पे ऐड कर दिए गए हैं, जैसे आपका रफ़ रोड्स के लिए है, आपके वेट रोड के लिए है, ये सब चीज़ें आपको यहाँ दी गई है। और अगर आप कार को इकोनॉमी में चला रहे हैं तो आप यहाँ से चूज़ करेंगे और यहाँ पे जो बंदा ये भाग रहा है मीन्स ये स्पोर्ट मोड के लिए है, तो अगर आपको स्पोर्ट मोड में चलाना है आप इस बटन को ऑन करेंगे। यहाँ जो नीचे के साइड में आपको बटन दिया गया है दिस इज़ फॉर हिल डिसेंट। गियर लीवर हमें यहाँ पर 6-speed मैनुअल ट्रांसमिशन का ऑफ़र है और आपके पास 6-speed ही ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन ऑफ़र किया जाता है। फ्रंट में आप देखेंगे तो यहाँ पर आपके पास टाइप सी पोर्ट है और ये आपका फास्ट चार्जिंग के लिए दिया गया है, 45 वॉट्स का है, तो बहुत जल्दी आपका फ़ोन चार्ज हो जाएगा। यहाँ आपको USB पोर्ट दिया गया है, वायरलेस चार्जर के लिए आपको स्पेस दिया गया है यहाँ पर। ट्विन कप होल्डर की अगर हम लोग बात करते हैं तो वो कप होल्डर आपको दिए गए हैं यहाँ पर। यहाँ पर आपको कुछ फिजिकल बटन्स दिए गए हैं, कुछ आपके टच के साथ हैं, इसको फिजिटल बोलता है टाटा के, कुछ फिजिकल बटन हैं, कुछ डिजिटल बटन्स हैं और ये सारे कंट्रोल्स आपको बहुत क्लियरली दिखाई दे रहे हैं। AC टेम्परेचर की सेटिंग्स आप यहाँ कर सकते हैं, 2-zone AC आपको ऑफर किया गया है इस कार के अंदर, ये सब चीज़ें आपके पास यहाँ पर बहुत क्लियरली शो की गई है। स्टेयरिंग की अगर हम लोग बात करेंगे तो देखिए आपको यहाँ पे फ्लैट बॉटम 4-spoke स्टेयरिंग ऑफर किया जाता है जो बहुत ज़्यादा स्मार्ट है। यहाँ पे आपको इल्यूमिनेटिंग टाटा का लोगो मिलता है और ये आपको ऐसा लग रहा है मुझे तो कि स्क्रीन दिया गया है, मुझे क्या सबको लगने वाला, लेकिन ये स्क्रीन नहीं है और ये इल्यूमिनेशन के साथ आपका ग्लो करता है, बहुत ज़्यादा स्मार्ट लग रहा है ये। कार के अंदर इंटरनल आपको एयर प्योरीफायर दिया गया है, एप्पल कारप्ले एंड्रॉयड ऑटो आपको यहाँ पर दिया गया है, क्लाइमेट कंट्रोल आपको मिल जाता है, आपको बता चुकी हूँ 2-zone यहाँ पे क्लाइमेट कंट्रोल है, AQI है, अमेजोन एलेक्सा आपके पास है और बाकी आपके सीरी और गूगल तो आ ही जाएंगे उसके साथ साथ। बाकी हमारी बेसिक बहुत सारी चीज़ें हैं यार, आप जितना देखना चाहें उतना ही कम है। यहाँ पर मीडिया कंट्रोल्स हैं, अच्छा JBL का म्यूज़िक सिस्टम यहाँ पर यूज़ किया गया है और इसके अंदर आपको डिफरेंट डिफरेंट मोड्स दिए गए हैं।
फर्दर अगर हम कार के मटेरियल की बात करते हैं तो देखिए ऊपर के साइड में आपके सॉफ्ट टच का यूज़ किया गया है, यहाँ पे थोड़ा टेक्सचर का यूज़ किया गया है, काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट लग रहा है ये। ब्लैक पियानो फिनिश में ये पूरा यूनिट आपको दिया गया है, अगेन कार के एलिगेंस को बहुत इंक्रीज़ करता है। नीचे के साइड में लेदर का यूज़ किया गया है अलॉन्ग विद दिस लाइट कलर, लाइट ब्लू कलर स्टिचिंग, जो बहुत ज़्यादा स्मार्ट लग रही है। अच्छा, ऊपर की तरफ हम लोग मूव करते हैं तो यहाँ पर आपको इलेक्ट्रोक्रोमिक IRVM दिया गया है, और फर्दर ऊपर की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे आपको ये लाइट दी गई है। इसको थोड़ा सा बदलना चाहिए इसके डिज़ाइनिंग को, मुझे मैं शुरू से इसको पसंद नहीं करती हूँ, इस पर थोड़ा काम करना चाहिए था टाटा को, बस एक छोटा सा एक लूप होल मुझे लगता है। बाकी आपको यहाँ पर पैनोरामिक सनरूफ ऑफर किया गया है, और ये आपका सिंगल टच के साथ है। मैंने अगर आपने सिंगल इसको एक बार पुश किया, ये अपने आप पूरा आपका सनरूफ भी बंद हो जाएगा और आपका जो ये फैब्रिक है ये भी इसको फुल ऑन क्लोज कर देगा, कवर कर देगा। स्टोरेज की अगर हम लोग बात करते हैं तो आपको यहाँ पर हैंडरेस्ट के अंदर स्टोरेज दिया गया है, और इसके अंदर आपके पास एक 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट है, एक USB पोर्ट है, टाइप सी पोर्ट है, और ये आपका कूल्ड ग्लव बॉक्स है। यहाँ पे आप इसकी कूलिंग ऑन कर सकते हैं, ये साइड में आपको रोलर दिया गया है। आगे की तरफ हम देखेंगे तो देखिए यहाँ पर आपको बहुत डीप डाउन एक स्टोरेज दिया गया है, और इसके अंदर भी आपके पास काफ़ी सामान रखने की जगह है। साइड में आपके पास जो ये पॉकेट्स हैं, यहाँ पर आपके पास बॉटल होल्डर की जगह दी गई है। इंजन की अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर क्रायोटेक डीजल इंजन का यूज़ किया गया है, ये आपका 2 लीटर डीजल इंजन है, पावर देता है आपको 170 BHP की, और जो आपको टॉर्क मिलेगा दैट इज 350 Nm, मींस गाड़ी आपको अंडर पावर फील नहीं होगी। सेफ्टी की अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर आपको 6 एयरबैग्स ऑफर किए जाते हैं। आप टॉप वेरिएंट के ऊपर जाएंगे तो वहाँ पर आपको 7 एयरबैग्स ऑफर किए जाएंगे। अब वेरिएंट्स की अगर बात आ गई तो यहाँ पे आपको बहुत सारे वेरिएंट्स मिलते हैं, आपको यहाँ पे प्योर मिल जाता है, एडवेंचर मिल जाता है, फियरलेस मिल जाता है, डार्क आपको मिल जाता है, और हर एक वेरिएंट की अपनी एक खासियत है। यहाँ पर कुछ कम ज़्यादा वाला सीन नहीं है, यहाँ पर हर वेरिएंट एक इंडिविजुअल पर्सनालिटी को शो करता है कि मेरा इंटरेस्ट कुछ इस तरीके का है तो मेरे लिए ये वेरिएंट बनाया गया, मेरा इंटरेस्ट कुछ उस तरीके का है तो मेरे लिए वो वेरिएंट बनाया गया है। तो यहाँ पर मैं इसको बोलूँगी कि डेफिनेटली प्राइस को मत देखिएगा, या ये मत देखिएगा कि ये वेरिएंट छोटा है ये वेरिएंट बड़ा है, हर किसी के लिए हर एक वेरिएंट बहुत स्मार्टली डिज़ाइन किया गया है। तो आप अपनी चॉइसेस देखिएगा, अपने रिक्वायरमेंट देखिएगा, उस हिसाब से आपको गाड़ी को चूज़ करना है, उस वेरिएंट को आपको चूज़ करना है। और आपके स्क्रीन पर ये आ रही है फुल ऑन वेरिएंट्स की लिस्ट, यहाँ पर देख लीजिए, थोड़ा सा इसको पॉज कर लीजिए और वहाँ से डिसाइड कीजिए आप किस वेरिएंट के ऊपर जाएंगे। एयरबैग्स के साथ साथ अगर हम लोग सेफ्टी में और पैरामीटर्स की बात करते हैं तो यहाँ पर आपका ADAS को इंट्रोड्यूस किया गया है इस बार, जिसकी वजह से आपको अडैप्टिव क्रूज कंट्रोल मिल जाता है, आपको लेन असिस्ट मिल जाता है, लेन डिपार्चर वार्निंग मिल जाती है, ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन भी आपको यहाँ पर मिल जाता है, आपको ABS मिल जाता है, आपको EBD मिल जाता है, ESP यहाँ पर एडवांस लेवल पे इस बार यूज़ किया गया है। तो अगर हर तरीके से हम लोग बात करें कि यार जो टाटा हैरियर है हमारी वो सेफ है या नहीं है, तो डेफिनेटली ये गाड़ी बिल्कुल सेफ व्हीकल है। बिल्ड क्वालिटी इसकी सुपर अमेजिंग है, जो हमारी पुरानी वाली हैरियर थी वो आपकी 5-स्टार रेटेड व्हीकल था, अभी इसकी टेस्टिंग नहीं हुई है, बट ये भी डेफिनेटली थोड़े से चेंजेस ही किए गए हैं इसके अंदर, जो हमारे कॉस्मेटिक चेंजेस हैं, तो ये व्हीकल भी आपका 5-स्टार रेटेड ही होने वाला है। रेटिंग की अगर बात करेंगे तो टाटा हैरियर आपका 5-स्टार रेटेड व्हीकल है इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी, तो आपको इस गाड़ी को खरीदने में बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लुक्स वाइज, फीचर्स वाइज, सेफ्टी वाइज, परफॉर्मेंस वाइज, हर तरीके से कार को बहुत ही अच्छा बनाया गया है। प्राइस की अगर बात करेंगे तो देखिए ये है इसकी प्राइस लिस्ट, ये गाड़ी हमारी स्टार्ट हो रही है 15.49 से और ये जा रही है आपकी 26.44 तक। तो आपका हर वेरिएंट जो आपको लेना है आप चूज़ कर सकते हैं, और ये है फुल ऑन डिटेल्स। तो चलिए दोस्त, ये थी हमारी न्यू टाटा हैरियर। ये कार आपको कैसी लगी मुझे बताना कमेंट्स में ज़रूर, और फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखिए, बहुत ज़्यादा खुश रहिए, लव यू ऑल।